हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। आपको बता दें, मौसम को लेकर उत्तर प्रदेश से अभी एक रिपोर्ट निकल कर आ रही कि यूपी वेदर फोरकास्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। जाने इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का हाल, किन किन जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल, वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसी क्रम में मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जिले शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी और बिहार के कुछ जिलों में लगातार पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक ठनका गिरने के साथ साथ भारी बारिश की पूरी संभावना है। बता दें कि कई राज्यों में इस बार भीषण गर्मी भी पड़ी थी, जिस वजह से लोगों को मानसून का बारिश का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन आपको बता दें, कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से जलजमाव से लेकर बाढ़ की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में बताया कि उत्तर प्रदेश समेत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत आपको बता दें कई राज्यों में आज तेज बारिश होगी। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कई जगहों के लिए आज अलर्ट जारी किया है। इसलिए आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। इसी वजह से आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस हफ्ते आसमान में बादल छाए रहने और बीच बीच में राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें 2-3 दिनों तक हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश होने के साथ आपको बता दें भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं आपको बता दें कि मौसम केंद्र लखनऊ के निदेशक डॉक्टर जेपी गुप्ता ने बताया है कि आज उत्तर प्रदेश के 28 से 30 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दूसरी तरफ बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के 17 से 18 जिले ऐसे हैं जहां अत्यधिक भारी बारिश हुई है। यूपी में 1 जून से अब तक 235.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 124.9 मिलीमीटर कम है। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में आपको बता दें AQI अच्छा से संतोषजनक श्रेणी में है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में आज मौसम कैसा रहेगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां आपको बता दें आज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूरे हफ्ते आसमान में यहाँ बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आपको बता दें वाराणसी प्रयागराज में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी पूरे हफ्ते आसमान में बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। आपको बता दें कुछ समय के लिए तेज बारिश होने का अनुमान यहाँ मौसम विभाग ने जताया है। कानपुर में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी आपको बता दें आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी आपको बता दें आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ यहाँ भी बौछारें पड़ने की संभावना है।